हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बढ़िया ढंग से चल रही होगी एसएससी जीडी में सिलेक्शन लेने की और अगर थोड़ी बहुत ढीली चल रही है ना तो उसके लिए एक जबरदस्त मोटिवेशन और आपके लिए एक जबरदस्त खुशखबरी आ गई है जो वैकेंसी आपकी पहले चौबीस थी टू थी वो अब लगभग दो हो गई है उसका प्रमाण आपके सामने है यहां पर देखिए ये अभी अभी का नोटिस है आ, ये कल का, है, कल का, कल संभवतः का का नोटिस है और ये अभी रिलीज हुआ है मतलब सभी के सामने अब आया है पहले आप वैकेंसी यहां पर देखिए पहले वैकेंसी अपने वो कितनी दिखाई दे रही थी यहां पर ये देखिए एक सेकेंड मैं आपको दिखाता हूं पहले वैकेंसी जो है जो मेरे हाथ में है ठीक है मैं जो दिखा रहा हूं आपको वो थी आपकी चौबीस टोटल और अभी जो वैकेंसी टोटल होगी वो पैंतालीस हजार एक सौ पांच यानी कि जस्ट डबल अब कोई भी बहाना आप लोगों का चलने वाला नहीं है बिल्कुल भी तो बिल्कुल जी जान लगा के तैयारी में लग जाइए बहुत सिंपल सा पेपर होता है आपको ढंग से क्रैक करना है पांच किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी है चौबीस मिनट में और आपकी नौकरी पक्की हो जाएगी अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका भविष्य क्या होने वाला है हिंदी और जीएस के लिए क्लासेस राम जी की पाठशाला पर चल रही है जो बिल्कुल निःशुल्क है आपको जी जान से तैयारी में लग जाना है अब मैं आपको एक मोटा मोटा एक डिटेल दे देता हूं वो डिटेल ये है कि यहां पर देखो पहले आ, पहले की बात बताता हूं पहले बी में कितनी थी बी में पहले टोटल पोस्ट थी आपकी दस हजार चार सौ सत्तावे कितनी दस हजार चार सौ सत्ता और अब बढ़कर हो गई है आपकी बीस हजार सात सौ पैंसठ लगभग दो गुनी है ना दो गुनी से भी ज्यादा आपकी पोस्ट लगभग यहां पर हो गई है सीएसएफ में जहां पहले केवल और केवल सौ पोस्ट थी वहां पर सीआईएसएफ में पांच हजार नौ सौ चौदह पोस्ट आप लोगों के लिए एस एस सी जी डी में बढ़ गई है सीआईएसएफ की अगर देखें सॉरी सीआरपीएफ सीआरपीएफ तीसरे नंबर पर है सीआरपीएफ में पहले आठ हजार नौ सौ ग्यारह पोस्ट थी जो बढ़कर एक मतलब ग्यारह हजार एक सौ उनहत्तर हो गई है उसके बाद आपका एस एस बी एस एस बी में मात्र आपकी बारह सो चौरासी पोस्ट थी बारह सो चौरासी पोस्ट थी जो बढ़कर इक्कीस सौ सड़सठ हो गई है ये बात आपको समझ में आ गई उसके बाद जो आईटीबीपी है आपका आईटीबीपी में आपकी 1613 पोस्ट थी कितनी 1613 पोस्ट थी और अब ये बढ़कर सत्रह हो गई है असम राइफल की अगर बात करें तो असम राइफल में सोलह सो पोस्ट थी जो अब बढ़कर इकतीस मतलब आप देख रहे हैं ज्यादातर सब में दो गुनी आपकी वैकेंसी हो गई है और एसएसएफ की अगर बात करें दोस्तों एसएसएफ की अगर बात करें तो एसएसएफ में आप पहले पोस्ट थी आपकी 103 कितनी 103 पोस्ट थी अब बढ़कर के एक पोस्ट आपकी हो गई है SSF में अगर बात करें एनसीबी की दोस्तों एनसीबी में पहले पोस्ट थी, थी आपकी एक सेकेंड एनसीबी में पहले पोस्ट थी आपकी 164 और अब वैकेंसी आपकी बढ़कर हो गई वन सेवेंटी तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा वो है अब बस आपको ढंग से पढ़ना है अच्छे से करना है काम और आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा एक चीज आपको मैं ध्यान से बता देता हूं एक बार मेरी बात आप लोग ध्यान से सुन लीजिए कि अभी आपको मतलब किस तरह से चीजों को लेकर के चलना है मैंने कई बार पहले ही बताया है और अब फिर बता रहा चैनल पे अगर आप नए आए हो तो आपको सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है क्योंकि बहुत सारी चीजें आपको राम जी की पाठशाला पर निःशुल्क मिलेंगी और इवन सब कुछ निःशुल्क आपको मिलने वाला है बस आपको पढ़ने की आवश्यकता है अच्छे ढंग से ये देखिए सबसे पहले अभी देखो आपके पास जो दिन बचे हैं वो 45 दिन बचे हैं कितने आज से अगर देखो आप तो आज से आपके पास 45 दिन बचे हैं 10 जनवरी से आपका पेपर चल जाएगा 14 फरवरी तक तो मिनिमम जो आपके पास डेज हैं 10 तारीख को मान के चलें कि आपका पेपर होने वाला है किसी का भी हो सकता है तो आपको अभी से क्या काम करना है सबसे पहले तो आप प्रीवियस ईयर पेपर जबरदस्त तरीके से सॉल्व कीजिए प्रीवियस ईयर पेपर वहां से सीखिए इनको मैं करवा रहा हूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को और छोट छोटी छोटी वीडियोस में पंद्रह पंद्रह बीस बीस मिनट बाईस बाईस मिनट की वीडियो में तीस तीस सवाल

तो ना के बराबर पैसों मैंने क्या काम किया था यूपीएसआई में बच्चों के लिए ही मात्र उन रुपए में 160 टेस्ट अरेंज करा दिए थे ऑफलाइन थे वो आप जाके कभी भी देख सकते हो अभी भी कुछ ऐसा रहेगा तो आपके लिए व्यवस्था मैं करा दूंगा यदि आप कहोगे नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है और अच्छे से आप लोग पढ़ते रहिए पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे हम उसके बाद हम क्या करेंगे उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे आगे बढ़ते रहेंगे आपके टॉपिक क्लियर करते रहेंगे छह सात आठ टॉपिक है हिंदी में तो और जीएस के भी मैं टॉपिक आपको कराता रहूंगा बस आपको बशरते चैनल के साथ अच्छे से जुड़े रहना है टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है क्योंकि जो क्वेश्चन होंगे उनके पीडीएफ में आपको वहीं पर ले जाकर के दूंगा तो इसी अच्छी बात के साथ जी जाना आप लगाइए जय हिंद जय भारत